वेलकम टू मुनरो आइलैंड। ये देखो ये क्या कह रही है, लड़की धक्का मारने का कह रही है मेरे को। मेरे मुंह पे क्यों रख के रखा हुआ है, पागल है क्या? धक्का मार दूंगी सही में भी। ईगल है वो ब्रो, ईगल ईगल ये वाइट हेडेड है यार, पता है ये केवल इधर ही मिलते हैं कोस्टल एरिया में। यार क्या जन्नत जगह है यार, मतलब ऑल ओवर छोटे छोटे से यू नो आइलैंड से बन रखे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऑल ओवर ग्रीनरी मैन यार। और सामने हमारा थोड़ी देर में यू नो सनसेट होने वाला है, तो वो नज़ारा तो यार देखते ही बनता है। सीधे मैन क्या नज़ारा है यार, मतलब बहुत ही ऑसम जगह लग रही है। मतलब काफ़ी दूर जाके वहाँ पे लोग काफ़ी सारी बोर्ड्स वगैरह लग रखे हैं। ओके एंड देन प्लेस की यार जो वाइब है, इट्स अमेजिंग। देखो आप देख रहे हो ये पीछे में जो लोग हैं सब फोटो खींचने में लगे पड़े हैं, यू नो ब्यूटी इतनी ज़्यादा यू नो इस जगह की है यार। जो ये घर बन रखे हैं लोगों के, ये कितने सही है ना, मतलब ये लोग आई मीन मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते होंगे एंड देन सुबह निकलते ये नज़ारा एंड ऑल ओवर ये कोकोनट ट्रीज एंड पूरा ग्रीनरी, तो कितना अच्छा लगता होगा है ना। हाँ ये होंगे ना ऑब्वियसली, होम स्टे होते हैं यहाँ पे। नहीं एक्चुअली जब हम रोड से आए थे ना तो वहाँ होम स्टे पड़े थे, काफ़ी लोग रह सकते हैं यहाँ पे आराम से। हाँ तो सही है यार, ये यार 400 रुपीज़ में 2 आवर्स घूमने को मिल रहा है यार मुनरो आइलैंड पे यहाँ पे अपन को, ये तो सही है ना यार। देखो ये साइड में वो बोट्स जा रही हैं एंड वो दिख रहा है ना वो कैनोपीज काइंड ऑफ, उसके बीच में सब लोग निकल के जाएंगे। व्हाट इज दिस प्लेस मैन, व्हाट इज दिस प्लेस मैन, यार क्या सही जगह लग रही है ना ये, क्या निकालूं। हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि अगर तू नहीं आई वहाँ पे फोटो खींच सकते हैं अपन वहाँ पे उसके अंदर रुक के। ऐसे इसने ले ली है क्या ना यार, क्या नाइस कैनोपी है यहाँ पे है ना, वो कैनोपी कितनी सही लग रही है। ये तो यहाँ तो रुक ही रही है बोट्स। और यहाँ झाड़ियों के बीच में लोग पिक्चर्स खिंचाते हुए यार, कैनोपी के अंदर मतलब कोई स्पेस है ना, यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह अच्छे आते हैं तो इसलिए लोग रुके हुए हैं यहाँ फोटोग्राफ्स खींचने के लिए। चलो चले मितवा हम ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में, तेरी प्यारी प्यारी कैनोपी में, कहीं हम खो जाए। ओ भाई व्हाट इज दिस प्लेस मैन, व्हाट इज दिस, क्या जगह है यार, क्या जगह है। ओके ब्रो ओके ओके यार, ये पिक्चर खिंचाने वाली जगह है। तो यार हम लोग पेड़ों के बीच में से निकलते हुए और फिर आ गए हैं खुले मैदान में। बरसात भी आकर चली गई, सावन भी बादल भी गरज कर बरस गए, बस इसकी एक झलक को हम हुस्न के आशिक तरस गए। जान रे यू आंखों से तूने ये क्या कह दिया। ओए नीचे हो जाओ, नीचे बैठ जाओ सब। हां टंग करके बैठ जाओ। अरे सच में, सच बोल रहा हूँ मैं। ओरे
निकल गए भाई गुफा के अंदर से। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है यार। पत्ते पत्ते खाओगी क्या? पत्ते खा सकती हो या पत्ते के अलावा कुछ है नहीं है? पत्ते खाओगी? पत्ते या पानी पी सकती हो अनलिमिटेड। पानी में जाओ जाने वाले पेड़ों के बीच में। ओ भाई कितना सही लग रहा है ना। अपन उधर क्यों जा रहे हैं? मैंग्रोव मैंग्रोव प्लीज ना मैंग्रोव। अरे तो जगह अलग-अलग रास्ता होगा ना, उधर कोई और गया होगा, अपन इधर चल रहे हैं। दीस आर ही ऋषभ दिस इज समथिंग डिफरेंट ब्रो। दिस इज समथिंग डिफरेंट। नो दिस इज रबर का पेड़ के न्यू। हां ये वाला रबर आई नो है सही है क्या? यू वांट वन रबर? अरे नहीं रे भाई। अरे यार बट इसमें मगरमच्छ भी होते हैं ना, क्रोकोडाइल। हां हां नहीं नहीं होते क्या? ये सवेरे तेरी यादें आती है, वो जो गा रहा है वो ऋषभ आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है। वो सनम मोहब्बत की कसम आगे नहीं आता। मिलके बिछड़ना दस्तूर हो गया, यादों में तेरे मजबूर हो गया। सनम तेरे प्यार की कसम। मेरे लिए खा रहा है क्या? डिफरेंट एक्सपीरियंस है यार मस्त। ये छोटे बच्चा पार्टी। हेलो इशारों में तूने हमसे जो दिल लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे यार, बोट से उतर के। धीमे धीमे कह रही है कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं जा हुए से है मैं और तू। बूम 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 ता खामोश दूँ। ये कितना खुश हो रही है ना। देर देर यहाँ पीछे हमारी महारानियाँ बैठी हुई है जो बिल्कुल शांत है। विक्टोरिया विक्टोरिया हाँ भाई विक्टोरिया वाइट एकदम लग रही है महारानी जैसी है ना, वो वाइट वाइट ड्रेस में ना बिल्कुल यार। लेकिन ये एंगल सही लग रहा है।
उसके बीच में से होते हुए जाना, और ठंडा मौसम भी हो गया है, सनसेट हो चुका है, रिलैक्सिंग वाइब आ रही है। वाकई में बहुत सुंदर जगह है। मतलब अब यू नो मैंग्रोव ट्री के बीच में से निकलते हो, मैंग्रोव ट्री मतलब जो कि पानी में ही मतलब जो निकलते हैं ना ट्रीज, बहुत सारे भर रखे हैं यार। मतलब जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया, हम लोग पूरा वोट वगैरह उनके अंदर से पूरी जा रही है प्रॉपर हो गया ना, और व्यू वगैरह बहुत प्यारा है यार। मतलब अमेजिंग, मतलब मस्ट विजिट प्लेस कह सकता हूँ मैं यार यहाँ पे। अगर आप वर्कला में हो ना केरला, तो ये ट्राई करो यार, मतलब इवनिंग टाइम सनसेट के टाइम पे बेस्ट एक्टिविटी ब्रो, बहुत अमेजिंग है। और अभी हम लोग एक शॉप पर रुके हैं ना, ये टी शॉप है, मतलब इसी के बीच में यू नो मोंगरू आइलैंड है ना जो, इसी के बीच में उन्होंने एक टी स्टॉल है बनाई हुई है वो रही दैट साइड, वहाँ अभी हम लोग चाय के लिए रुके हैं, और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस है यार ये। सो मैंग्रोव्स के भी बहुत वीडियोस वगैरह और सारे मैंने यू नो फोटोज़ वगैरह काफ़ी देखे इंस्टा पे, वीडियोस इंस्टा पे, यूट्यूब पे, यू नो फेसबुक वगैरह पे काफ़ी, और आज अपन इस जगह हैं यार। मतलब अमेजिंग प्लेस है यार, ऐसी जगह आके मतलब रियल में एक रिलैक्सिंग वाली और एक वैसी वाइब, पीसफुल वाली वाइब आती है, अच्छा लगता है। मतलब ऐसी जगह आके ये लगता है कि बस आप एक जगह बैठ जाओ और कुछ भी बात ना करो और कोई भी साउंड ना आए, चुपचाप से आराम से बस ये इस व्यू का और इस नज़ारे का मतलब यू नो मज़ा लो। तो ये यार हमारा वर्कला है, ब्यूटीफुल वर्कला इन केरला। केरला बहुत सुंदर है यार, केरला के मतलब ऑल ओवर साउथ बहुत सुंदर है। मतलब ये साउथ ट्रिप यार मेरी बहुत मेमोरी विल रहने वाली है। मतलब हर जगह यहाँ साउथ में मैं निकल रहा हूँ ना, हर जगह ब्यूटीफुल चीज़ें मिल रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, लोग अलग अलग मिल रहे हैं, यानी बहुत दूर दूर से आ रखे हैं। और मतलब यार इस ट्रिप को मैं बहुत यू नो अपना मिस करने वाला हूँ यार, ये साउथ रोड ट्रिप को। पता नहीं यार यहाँ पे अब कभी आना होगा साउथ में, बट रियली यार ये साउथ एक्सप्लोर करो, बहुत सुंदर है सच में। मतलब लोग इसीलिए नहीं बोलते इसको केवल गॉड्स ओन कंट्री, ये है यार, ऑल ओवर ग्रीनरी, ओशियंस, सीज, लेक्स, वाटरफॉल्स, रिवर्स, आई मीन बहुत सही चीज़ें हैं। चलो यार अभी अपन यहाँ पे चाय पीते हैं एंड देन फिर आगे निकलते हैं, बाकी फिर अपना ये वर्कला का सफ़र यहाँ पे होगा ख़त्म। कल हम निकलेंगे अभी नेक्स्ट लोकेशन पे, वो नेक्स्ट व्लॉग में बताते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। ओके चलो फिर बाय।